इसका शीर्षक होगा स्वामी ओम जी ने सर्जिकल स्ट्राइक कराने की अपील की। हेलो ग्लोबल यूट्यूबर्स व्यूअर्स लिसनर्स आदि सभी देशभक्तों को संबोधित करते हुए तथा दिनांक 4 फरवरी 2018 रविवार को स्वामी ओम जी द्वारा इसी विजय न्यूज टीवी चैनल में पाकिस्तान पर भारतीय हमला करने संबंधी मेरे बयान को आगे बढ़ाते व जारी रखते हुए इस्लाम विरोधी ओम जी महासंघ आदि हिंदूवादी व भारतवादी 51 वैश्विक संगठनों के संस्थापक व अध्यक्ष स्वामी ओम जी के निर्देशानुसार स्वामी ओम जी के शिष्य व तत्कालीन मुस्लिम अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा पाकिस्तान में जबरदस्ती घुसकर जैसे हिंदू द्रोही राक्षस व अलकायदा का सरगना बिन लादेन की हत्या करके नापाक पाकिस्तान की हेगरी स्वामी ओम जी ने निकलवा दी थी तथा स्वामी ओम जी के निर्देशानुसार तारीख 29/9/2016 को पाक अधिकृत कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए भारतीय सैनिकों ने 38 आतंकियों की हत्याएं करके स्वामी ओम जी के उपरोक्त सपनों को पूरा किया था। ठीक उसी तरह से सर्वप्रथम पाकिस्तान में आतंकरत जैसे मोहब्बत आदि सभी आतंकी संगठनों के सभी टेरर लॉन्च पैड्स पर व ट्रेनिंग कैंप्स पर तथा उनके अन्य मुख्यालयों पर उपरोक्त तरीकों से किए गए सर्जिकल स्ट्राइक्स के जरिए से उनके नामों निशान मिटाने की अपील भारत सरकार से स्वामी ओम जी ने की है। उसके बाद भविष्य में स्वामी ओम जी के निर्देशानुसार भारत द्वारा सभी तरीकों से सीधे सैनिकी आक्रमण द्वारा पाकिस्तान पर कब्जा करके पाकिस्तान का नामो निशान मिटाकर पाक निवासी सभी नापाक मुसलमानों का जबरदस्ती शुद्धिकरण करके स्वामी ओम जी के नेतृत्व में उनका घर वापसी कराते हुए उन्हें हिंदू बनाकर अखंड हिंदू राष्ट्र घोषित करते हुए हुतात्मा नाथूराम गोडसे जी के अस्थि कलश को सिंधु नदी में प्रवाहित कराने की अपील भी भारत सरकार से स्वामी ओम जी ने की है। इन्हीं शब्दों के साथ सर्व हिंदू सुखिना संतु सर्व संतु सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। वंदे मातरम भारत माता की जय। जय हिंदू राष्ट्र। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश खेल कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉग इन करें www.vijaynews.in। मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।